पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चूड़ामणिकृतविदुर बलैकृतवासुकी भवो भवतु भव्याय लीलातांडव पंडितः नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चोराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महि रुहस्य बीजाय। ओम शांति शांति शांति। चलो भाई, तो आपका जो चल रहा है समवाय है ना, समवाय का लक्षण है। सामान्य के बाद समवाय है ना। तो समवाय जो है नित्य संबंध समवाय मानते हैं, नित्य संबंध स्वयं मानते हैं, ठीक है। और समवाय का अनुमान करते हैं लोग, है ना। गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धि विशेषण विशेष संबंध विषया विशिष्ट बुद्धित्वात् दंडी पुरुष इति विशिष्ट बुद्धिवत् अनुमान करते ना, ठीक है। तो विशिष्ट बुद्धि में विशिष्ट बुद्धित्व हेतु से क्या सिद्ध करते हैं, समवाय संबंध कि नहीं। तो विशेषण विशेष संबंध विषयकत्व में वो संबंध क्या होगा, समवाय होगा। गुण गुणी का, क्रिया क्रिया वाले का, जाति व्यक्ति का, नित्य द्रव्य विशेष का, नहीं मतलब औत सिद्ध पदार्थ है कि नहीं, ऐसा मानते हैं। ले समवाय की सिद्धि हो जाएगी, समवाय की सिद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई सिद्ध साधन भी नहीं है और कोई अर्थांतर भी नहीं है। अच्छा, और समवाय को एक मानते हैं, समवाय को एक मानते हैं। प्राचीन लय क्या, प्राचीन नैयायिक जो है समवाय को क्या मानते हैं, एक मानते हैं, ठीक है ना। और नव्य नैयायिक लोग जो है समवाय को अनेक मानते हैं, समवाय नाना है। कौन लोग, नव्य नैयायिक लोग जो है ना समवाय को एक नहीं मानते, नाना मानते हैं, ऐसा है। अब दिनकरी में आप लोग पढ़ेंगे। जैसे पृथ्वी में गंध का समवाय है कि नहीं, पृथ्वी में गंध का समवाय है ना। तो जल में रूप का समवाय है कि नहीं, है किसका, जल में रूप का समवाय और गंध का समवाय एक है कि अनेक है। रूप का समवाय तो एक ही बनते हो कि नहीं, इसलिए रूप का समवाय और गंध का समवाय तो एक ही है ना। तो एक ही है, तो फिर जो है पृथ्वी में हैं, ये पृथ्वी बोला जल में, जल के जल में फिर गंध की प्रतीति होनी चाहिए। रूप का समवाय और गंध का समवाय यदि एक ही है तो जल में गंध की प्रतीति होनी चाहिए, लेकिन गंध की प्रतीति होती है क्या, नहीं होती है, समझ में कि नहीं। तो पृथ्वी में गंध का समवाय है
जल में गंध का समवाय है नहीं है, है ना, मतलब समवाय की प्रतीति नहीं होती है, नहीं होती है कि नहीं। तो ये जो प्रतीति है ये तो क्या भ्रांति है क्या? नब्बे नहीं बोलते, ये भ्रांति नहीं है, ये यथार्थ है। सुनते हो, पृथिव्याम गंध सा समवाय प्रतीति है कि नहीं? और जले न गंध से समवाय कुत्र पृथिव्याम, गंधे तो न गंध में नहीं है, ये जो प्रतीति है तो भ्रांति नहीं है, ये तो यथार्थ है। आगे इसलिए ये समवाय को नाना मानते हैं, क्या मानते हैं? रूप का समवाय पृथ्वी आदि में है कि नहीं, गंध का समवाय पृथ्वी आदि में है, जल में नहीं है। गंध का समवाय कहाँ नहीं है? जल में नहीं है, पृथ्वी आदि में है, पृथ्वी में है, गंध तो केवल पृथ्वी में रहती है। आगे समझ में, ये प्रतीति यथार्थ है, भ्रांति तो है ही नहीं, इसलिए समवाय को नाना मानना चाहिए। समझ रहे रामेश्वर? हेलो जी गुरु जी, हाँ सुनाई दे रहा है ना जी? स्पष्ट है जी, आवाज स्पष्ट जा रही है ना? आए जी जी आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ से चल रहा है ना इसलिए बोल रहे हैं। तो देखो ये किसके अनुसार है? नव्य न्याय के अनुसार, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो, तुमने ये जो विशिष्ट बुद्धि को लेकर के समवाय को सिद्ध किया, किया ना कि नहीं? हाँ, जैसे गुणवान घट, गुणवान घट है ना, इति विशिष्ट बुद्धि, विशेषण विशिष्य संबंध विषया विशिष्ट बुद्धित्वात् कि नहीं, दंडी पुरुष इति विशिष्ट बुद्धिवत, अनुमान हुआ कि नहीं हुआ? तो गुण का समवाय कहाँ पर है? गुण का समवाय कहाँ पर है? द्रव्य में है कि नहीं है? हुआ कि नहीं हुआ? ये जो विशिष्ट बुद्धि हो रही है, ये विशिष्ट बुद्धि का विषय क्या हुआ? संबंध हुआ कि नहीं? समवाय संबंध आ गया कि नहीं? गुण से विशिष्ट कौन? द्रव्य। किस संबंध से विशिष्ट है? समवाय संबंध। समझ में आया? ये विशिष्ट बुद्धि तो वहीं पर होगी जहाँ पर कोई संबंध हो। आगे जो बोलना है सुनो ठीक से, हैं? गुण से विशिष्ट कौन? द्रव्य, है ना? ये जो गुण विशिष्ट बुद्धि हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है ना? गुण विशिष्ट बुद्धि हुई, कैसी हुई? गुणवान घट रक्तो घट इति विशिष्ट बुद्धि है कि नहीं? हो गया ठीक। इसी प्रकार से हैं, गुण से विशिष्ट जो है, क्रिया से विशिष्ट जो है, जाति से विशिष्ट जो है बुद्धि, उस बुद्धि में क्या है? समवाय विषयकत्वम है, संबंध विषयकत्वम है कि नहीं है? समवाय क्या हुआ, ये संबंध क्या हुआ? समवाय आ गया, आ गया। हाँ किस हेतु से सिद्ध किया आपने? विशिष्ट बुद्धित्व, विशिष्ट बुद्धित्व से क्या सिद्ध किया आपने? समवाय संबंध सिद्ध किया, आया कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से हम कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है, तो ये भी तो विशिष्ट बुद्धि है। भूतल में घटो नास्ते, घटाभावत भूतलम, क्या है? घटाभावत भूतलम, अनुमान करो। अनुमान कैसे होगा बताओ? इति विशिष्ट बुद्धि, आगे वही पूरा बोलिए ना अनुमान। साध्य क्या है? विशेषण विशेष संबंध विषया विशिष्ट बुद्धित्वात् दंडी पुरुष इति विशिष्ट बुद्धिवत, आ गया? कैसा हुआ बताइए?
भाई पक्ष बोलिए पहले। पक्ष क्या हुआ? घटा भावत भूतलम इति विशिष्ट बुद्धि ही बोलिए। घटा भावत इति विशिष्ट बुद्धि ही आगे विशेषण विशेष संबंध विषया आगे विशिष्ट बुद्धित्वात् आगे दंडी पुरुष इति विशिष्ट बुद्धिवत आय भौम चेतन जी पूरा अनुमान बोलिए। घटाभावत भूतलम घटाभावत भूतलम इति विशिष्ट बुद्धि ही आगे लिख लो, नहीं आता तो लिख लीजिए, ये तो सरल है ना पहले की तरह। तो है पक्ष क्या हुआ? घटाभावत भूतलम इति विशिष्ट बुद्धि, यही तो पक्ष है। आगे दंडी पुरुष दंडी पुरुष इति दंडी पुरुष इति विशिष्ट बुद्धिवत हुआ कि नहीं? तो घटाभाव से विशिष्ट कौन हुआ? भूतल हुआ। घटाभाव से विशिष्ट कौन हुआ? भूतल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये जो घटाभाव से विशिष्ट जो भूतल हुआ, घटाभाव से विशिष्ट कौन हुआ? भूतल। उसमें क्या रहेगा? विशिष्ट संबंध रहेगा है? विशिष्ट जो होगा उसमें क्या संबंध रहेगा? विशिष्ट संबंध होगा। हुआ कि नहीं हुआ? पूर्व पक्षी कह रहे आया सर में। घटाभाव से विशिष्ट कौन हुआ? भूतल। उसमें क्या संबंध रहेगा? विशिष्ट संबंध रहेगा। ये अनुमान से सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ आया सर में। हाँ क्या अनुमान हुआ श्यामदेव? अरे कहाँ चले गया? क्या अनुमान हुआ? अरे कट गया लगते लोग। नहीं नहीं गुरुजी। हाँ तो क्या अनुमान है बताओ? घटा भाववत भूतलम विशिष्ट बुद्धि। घटाभावत भूतलम इति बोलो जी। इति बोलो। घटाभाव भूतलम इति विशिष्ट बुद्धि। हाँ आगे विशिष्ट संबंध विषया विशिष्ट बुद्धित्वात् दंडी पुरुषवत् दंडी पुरुष इति विशिष्ट बुद्धिवत हो गया। हाँ ऐसा है। आगे देखो। तो ये पूर्व पक्षी कह दिया। पूर्व पक्ष ने क्या सिद्ध किया? वैशिष्ट एक संबंध है। ये यहाँ पर पूर्व पक्ष में आया ठीक है भाई। हाँ देखो क्या लिख दिया है यही है कि नच अभावस्यापि नच एवं अभावस्यापि वैशिष्ट्यम मिला आपको। आगे क्या लिखा है? वैशिष्टम संबंधांतरम सिद्धेत इति वाच्यम है। तो यहाँ पर कह रहे हैं संबंधांतरम मतलब अतिरिक्त पदार्थ रूप से अतिरिक्त पदार्थ। अतिरिक्त पदार्थ मतलब कितने पदार्थ होते हैं आपका? सात से अतिरिक्त पदार्थ बोल रहे हैं। ये संबंधांतरम कहने से क्या हुआ? अतिरिक्त पदार्थ है ये। सात पदार्थ से अतिरिक्त पदार्थ इतना समझ लो। संबंधांतरम सिद्धेत मतलब क्या? अतिरिक्त पदार्थ तया वैशिष्ट्यम अतिरिक्त पदार्थ तया संबंधांतरम सिद्धेत आगे कि नहीं है? कहाँ रहेगा इस वैशिष्ट? अधिकरण में रहेगा भूतलादौ। कहाँ पर रहेगा? भूतलादौ सिद्धेत से पहले इतना समझ लो। भूतलादौ सिद्धेत किससे पहले जोड़ देंगे? किस नहीं नहीं किस पद से पहले जोड़ेंगे? नहीं आप कह रहे नहीं समझ में आया। सिद्धेत से पहले कितना अध्ययन करेंगे?
भूतलादौ इतना जोड़ दो, आ गया? लिखने की जरूरत नहीं, समझ लेना चाहिए, आ गया भूमा चेतन जी? हैं, एवं एवं करने से क्या हुआ? इस प्रकार से, किस प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे समवाय की सिद्धि हुई अनुमान से, विशिष्ट बुद्धित्व हेतु से, विशिष्ट बुद्धि में है जो, जैसे समवाय संबंध की सिद्धि हुई, इसी प्रकार से एवं, आप समझ में आया? आया समझ में अभी? ये एवं बोल रहा, इस प्रकार से, ठीक है? विशिष्ट बुद्धित्व हेतु से विशिष्ट बुद्धि में जैसे समवाय की सिद्धि हुई एवं इसी प्रकार से अभावस्यापि, सुनते हैं ना, अभावस्यापि है वैशिष्टम संबंधांतरम, अभाव का, अभावस्य मतलब अभाव का भी, जैसे गुण का संबंध द्रव्य के साथ क्या हुआ, समवाय संबंध हुआ, हो कि नहीं, क्रिया का हुआ, जाति का हुआ, विशेष का हुआ, ठीक इसी प्रकार से अभावस्यापि, ठीक है भाई, वैशिष्टम है, वैशिष्टम अतिरिक्त पदार्थ तया, ऐसा लगाना, अतिरिक्त पदार्थ के रूप से संबंधांतरम, दूसरा संबंध है, ना कोई समवाय है ना कोई स्वरूप है, नैया के लोग क्या मानेंगे इसको, स्वरूप मानते हैं, अभाव अधिकरण में किस संबंध से रहेगा, स्वरूप, ये बोलता नहीं, स्वरूप भी नहीं समवाय भी नहीं, आ गया कि नहीं, किसका, नहीं वो नहीं, किसका संबंध, अभाव का, कहाँ पर, अपने अधिकरण में, ऐसे में इसलिए सिद्धेत, कुत्र सिद्धेत, भूतल, भूतलादौ बोल दो, भूतलादौ सिद्धेत, आगे कि नहीं आ गया, आगे इति नचवाच्यम, नच किधर लगाओ, ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब कौन उत्तर दे रहा है, सिद्धांत उत्तर दे रहा है, आगे समझ में महादेव क्यों आगे कह रहा है, देखो उत्तर दे रहा है सिद्धांत, ठीक है भाई, वो कहते हैं तस्य, तस्य कहने से वैशिष्टस्य है, जो वैशिष्ट संबंध कह रहे हो अभाव का, अपने अधिकरण में क्या संबंध कह रहे हो, वैशिष्ट भाई, वो नित्य होगा नहीं तो अनित्य होगा, द्वैत विकल्प होगा, कोई पदार्थ जब मान रहे हैं आप, नित्य होगा नहीं तो क्या होगा, अनित्य होगा, तीसरा तो कोई विकल्प होगा नहीं, नित्य होगा नहीं तो अनित्य होगा, ठीक है, यदि आप नित्य कहते हो किसको, वैशिष्ट, ठीक है, वैशिष्ट को तुम आप अतिरिक्त स्वीकार करते हो, विकल्प होगा नित्य होगा नहीं तो अनित्य होगा नारायण, यदि पहला पक्ष क्या है नित्य, नित्य यदि माना जाएगा नित्यत्व तस्य कस्य वैशिष्टस्य समानांतरस्य है ना, तो देखो बताते हैं, भूतले, भूतले घटानान अनंतरम पे घटाभाव बुद्धि प्रसंगा, ये बोल रहे देखो है ना, देखो भूतल में घट रखा आपने, क्या रखा, भूतल में घट रखा है ना, हाँ सुनते ना, और उसमें संबंध है क्या, आपने नित्य मान लिया ना, नित्य मान लिया, आप समझ में है ना, तो देखो जिसमें घटाभाव है, जिसमें घटाभाव है भूतल में, ठीक है, तो घटाभाव का संबंध क्या हुआ भूतल में, वैशिष्ट हुआ, हो गया, अच्छा घट को ले आया, घट को ले आया तो वैशिष्ट चला गया, हाँ नहीं जाएगा ना, क्यों, नित्य मान लिया आपने, नित्य मान लिया तो संबंध रहा है, क्या है, संबंध है, संबंध है ना, तो वैशिष्ट रूपी संबंध है, फिर भी वहां पर घटाभाव की बुद्धि होनी चाहिए, क्या कह रहे हैं, किस समय,
घर लाने पर भी, घर लाने पर भी, क्योंकि विशिष्ट संबंध तो है ही हो, विशिष्ट संबंध तो है ही, और बोलते हैं घटाभाव भी है वहाँ पर, क्या है घटाभाव भी है। क्यों घटाभाव है मालूम है? घटाभाव तो नित्य है, नहीं आगे लोग क्या मानते हैं? घटाभाव जो अत्यंत भाव है ना, इसको क्या मानते हैं? आगे उत्तर दे, इसी को समझा रहे, देखो है ना, घटाभावत्तम है ना, घटाभाव की बुद्धि होनी चाहिए। एक मिनट, पन्ना पलट गए, चिपक गए। हाँ, क्या लिखे हैं? घटाभाव से देखो क्या लिखे है, बोलो। घटाभाव से पढ़ो, तत्र सत्वाद है ना, तत्र कुत्र, भूतले, घट वाला भूतल में, तत्र से लेना है घटवती भूतल, ले लो तत्र का अर्थ क्या होगा? घटवती भूतले। समझ रहे महा चेतन जी, किस समय की बात कह रहे हैं? जिस समय घट है उस समय कह रहे हैं, जिस समय घट है ऐसा घटवाला भूतल में, घटवाला भूतल में है ना, तो जो है वहां पर घटाभाव की बुद्धि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घटाभाव से तत्र सत्व, सुनते हैं ना, घटाभाव वहां पर है, तो क्यों वहां पर घट रहने पर भी घटाभाव है? आगे हेतु दे रहा है, तस्य च नित्यत्वात्। क्या कह रहे हैं? तस्य च नित्यत्व, तस्य मतलब कस्य? नहीं, तस्य कहने से घटाभाव से ले लो, तस्य कहने से क्या लेंगे? घटाभाव से च नित्यत्व, घटाभाव नित्य होने से, सुनते हो? हाँ, आगे एक पंक्ति छोड़ कर देखो, वैशिष्टस्य च तत्र सत्वात्। पंक्ति मिली? क्या पंक्ति है बोलो? हाँ, ऐसा अन्न करना है, ठीक है। घटाभाव तस्य करने से घटाभाव से, घटाभाव से च नित्यत्वात्, वैशिष्टस्य च तत्र सत्वात्। ऐसा में उमा चेतन जी क्या हुआ, आया चंद में? पंक्ति पहले समझ लो, पंक्ति क्या कह रहा है? तस्य करने से घटाभाव से नित्यत्व, मतलब घटाभाव नित्य होने से, और वैशिष्ट से तत्र सत्वात्, तत्र पुत्र भूतले, भूतले भूतले किम सत्वात्, वैशिष्ट, वैशिष्ट भी है वहाँ पर, दोनों हो गया। कौन कौन है? घटाभाव भी है, हाँ, क्योंकि घटाभाव को नित्य मान रहे हैं, घटाभाव भी है और क्या है, वैशिष्ट संबंध है, इसलिए वहाँ पर प्रतीति होनी चाहिए। तो दोनों नित्य हो गए ना, वैशिष्ट भी नित्य है और घटाभाव भी नित्य है, सुनते हैं ना, नया लोग नित्य मानते हैं घटाभाव को, है देखो क्यों, क्या है, प्रतीति नहीं होनी चाहिए। प्रतीति किसकी प्रतीति? घट की प्रतीति कहाँ से आ गई? घटाभाव की प्रतीति बोल रहे हैं, घट है वहाँ पर, घट लाए तो घट की प्रतीति नहीं होनी चाहिए ना, जब अभाव संबंध में वैशिष्ट संबंध है, अभाव है, वैशिष्ट संबंध है तो अभाव होना चाहिए, अभाव की प्रतीति होनी चाहिए, अभाव की प्रतीति होनी चाहिए बोल रहे हैं ये, नहीं आए बोल रहा है, अभाव की प्रतीति होनी चाहिए। कौन कह रहा है ये? सिद्धांती बोल रहा है, क्यों? घटाभाव नित्य है, नित्य इसलिए मानते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए भूतल में है, भूतल है, ठीक है, एतत् घट प्रतियोगी का अभाव, एतत् घट प्रतियोगी का अभाव कहाँ कहाँ पर है? इस घट के, इस घट का अभाव कहाँ कहाँ पर है? कहाँ कहाँ पर है? सब जगह होगा, बहुत जगह पर है। क्या क्या है? बहुत जगह पर है, समझ में कि नहीं आया?
ठीक है ना। तो बोलते हैं वो एक है कि अनेक है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, नित्य होगा कि अनित्य होगा वो? तो सुना बताता हूँ, है ना। तो नित्य मानते हैं लोग, देखो बताता हूँ, हैं। यदि ये यदि एक होगा, क्या कह रहे हैं, हाँ, एतद घटा प्रतियोगी का अभाव, तो बहुत जगह पर है कि नहीं है? यहाँ पर है, वहाँ पर है, दुनिया भर के सब बहुत जगह पर है, हैं, समझ में ना? अच्छा, तो मान लो कि हैं, इस घट को यहाँ पर लाया, क्या इस घट को यहाँ पर लाया, ठीक है, अब वो यदि नष्ट हो गया मानेंगे, क्या करेंगे, नष्ट हो जाएगी मानेंगे, अन्यत्र घटाभाव की प्रतीति होनी चाहिए, क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आपको? अरे भाई, यहाँ पर घट को लाया, घट को लाने पर यदि अभाव का नाश हो जाएगा, क्या अभाव का ये नाश हो जाएगा तो अन्यत्र प्रतीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे अभाव का ये नाश हो गया तो सभी अभाव का नाश हो गया फिर, हर जगह हाँ नाश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हैं? तो नाश हो जाएगा तो अन्यत्र प्रतीति होगी, नहीं होनी चाहिए ना, किसकी प्रतीति, घाट की नहीं, अभाव की प्रतीति, फिर भी आप पकड़ में नहीं आ रहे, घाट का नाश कहाँ कह रहे हैं भाई, अभाव का नाश कह रहे हैं, घाट को लाया, अभाव है अभी, मान लो घाट को ले आया है, तो ले आया तो अभाव का नाश यदि कहो गया है कि नहीं, तो अन्यत्र प्रतीति होनी चाहिए किसकी, अभाव की, अब समय की नहीं है, है ना। एक क्यों नहीं, वो बात छोड़ दीजिए, नित्य है कि अनित्य की विचार चल रहा है, यदि आप इसको अनित्य कहेंगे तो नाश हो जाएगा, किसका नाश, अभाव का नाश, घाट को लाया और अभाव का नाश हो गया, अभाव का नाश हो गया तो अन्यत्र अभाव की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभाव की प्रतीति होती है, हाँ कि नहीं, होती है ना, इसलिए क्या मानते हैं लोग, नित्य मानते हैं। लाघा होने से अत्यंत अभाव को एक मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, ये इनका सिद्धांत है, नित्य मानते हैं और एक मानते हैं, अगर यहाँ पर तो कहेंगे, यहाँ पर सुनते हैं ना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर पंक्ति, सिद्धांत को समझना तो बड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। पंक्ति देख लो, लगाओ पंक्ति, रामेश्वर समझ में आ रहा है, हेलो। हाँ, घटा भाव, हाँ घटा भाव से तत्र सत्वात्, घटा भाव तो वहाँ पर है ही, कहाँ पर है घटा भाव, भूतल में है, भूतल में है, तस्य च नित्यत्वात्, और घटा भाव क्या है वहाँ पर, नित्य है, ठीक है भाई। हाँ, घटा भाव होगा विशेषण, घटा भाव हो गया विशेषण, विशिष्ट कौन, बोतल हो गया, और संबंध क्या है, वैशिष्ट, देखो वैशिष्ट भी आप नित्य कह रहे हो, नित्य यदि मानोगे तो, है ना। हाँ, आगे ले गए देखो, अन्यथा, अन्यथा का अर्थ क्या है, हैं, अन्यथा मतलब घटा भाव को अनित्य मानने पर, सुनते हैं, अन्यथा का अर्थ क्या है, घटाभाव को यदि अनित्य मानेंगे तो, सिद्धांत तो घटाभाव को क्या मानता है, नित्य मानता है, अभी आपको समझा दिया ना, यदि इसको क्या मानेंगे आप, अनित्य मान लो, नाश हो जाएगा, घट को लाया तो घटाभाव क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अन्यथा, अन्यथा का अर्थ घटाभाव को अनित्य मानने पर, ठीक है। देशांतरे अपि, देशांतर मतलब कौन हो गया, घट शून्य देश में, जहाँ पर घट नहीं है, इस देशांतर ले लो,
वहाँ पर भी घटाभाव प्रतीति न स्यात्, घटाभाव की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है, होती है। ये बीच में अपना सिद्धांत कह दिया, बीच में क्या कह दिया, ये अपना सिद्धांत बोल दिया। वैशिष्ट वैशिष्टस्य च तत्र सत्वात्, सुनते हैं ना भाई, हैं? हाँ, ऐसा पंक्ति लगाओ, तस्य च नित्यत्वात् वैशिष्टस्य तत्र सत्वात्, ठीक है ना। इसलिए घटाभावस्य पहले कह दिया, घटाभावस्य तत्र सत्वात्, और तस्य च नित्यत्वात् वैशिष्टस्य तत्र सत्वात्, और पहले पहले ले लो, हाँ, पहले क्या लिखा, तस्य नित्यत्वे भूतले घटायनानान्तरमपि घटाभाव बुद्धि प्रसंगात, ऐसा लगाना है। मचतन जी नहीं पकड़ में आ रहा आपको, हाँ नहीं आ रहा है, देखो बताता हूँ, शुरू से देख लो। तस्य कहने से क्या हुआ, तस्य कहने से शुरू में देखो, है एकदम शुरू पंक्ति में देखो, सबसे पहले में देखो, तस्य तस्य नित्यत्वे तस्य कस्य, वैशिष्टस्य, सब एकदम शुरू से देख लो, तस्य कहने से कस्य वैशिष्टस्य नित्यत्वे, दो विकल्प का है ना, वैशिष्ट को नित्य मानने पर, नित्य मानने पर क्या होगा, घटाभाव बुद्धि प्रसंगात। इस पंक्ति समझ में नहीं आती जल्दी, सुनते हो, हैं? घटाभाव बुद्धि प्रसंगात, घटाभाव की बुद्धि होनी चाहिए, सुनते हो ना। किस समय, घट आनाना अनंतरम अपि, घट लाते समय भी, घट राव दिया उस समय भी, उस समय भी किसकी बुद्धि होनी चाहिए, घटाभाव की बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए आगे बता रहे अपना, क्यों होनी चाहिए, हेतु दे रहा है, कौन दे रहा है हेतु, सिद्धांत, कैसे हेतु दे रहा है देखो बताते हैं। घटाभाव से तत्र सत्वात्, घटाभाव वहाँ पर है, क्या है, घटाभाव वहाँ पर है, सुन में, हाँ, घटाभाव वहाँ पर है, क्यों है, हेतु दिया देखो, तस्य च नित्यत्वात्, तस्य कहने से कस्य, भाई कौन तस्य ले रहा है, तस्य च नित्यत्वात्, यहाँ पर लीजिए लिख लो वो अच्छा तक नहीं था, गड़बड़ नहीं करना, तस्य च नित्यत्वात् कहने से तस्य कस्य, यहाँ पर घटाभाव से नित्यत्वात्। और आगे जो पंक्ति है, बीच वाली पंक्ति को छोड़ दीजिए, वैशिष्ट से जो तत्र सत्वात, है ना, हाँ, वैशिष्ट भी वहाँ पर विद्यमान है, जो कहते ना भी ना, और वैशिष्ट जो संबंध है वो भी है वहाँ पर, है कि नहीं है, क्यों है, नित्य होने से, है कि नहीं। और अपना सिद्धांत यहाँ पर दिया कि अत्यंत भाव क्यों नित्य है, क्या है, अत्यंत भाव को नित्य क्यों मानते हैं, इसमें बीच में पंक्ति दे दिया अन्यथा शब्द से, सुनते हो अव्यक्तानंद जी, आ गया, ये पंक्ति बहुत टेढ़ी है, समझ में नहीं आता जल्दी, ठीक है। अन्यथा, अन्यथा का अर्थ क्या, बोलो, हाँ, घटाभाव को अनित्य मानने पर, नित्य न मानने पर, ये तात्पर्य है, ठीक है। देशांतरे अपि, देशांतर का अर्थ क्या है, घट शून्य देश में, जहाँ पर घट नहीं है वहाँ पर भी, है ना, घटाभाव प्रतीति न स्यात्, घटाभाव की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है क्या, होती है। इसलिए घटाभाव को क्या मानना चाहिए, नित्य मानना चाहिए, ठीक है ना, घटाभाव क्या मानना चाहिए, नित्य मानना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं। चलो, यहाँ तक लग गया, अच्छा, अब बोलते हैं भाई, तुम लोग जो सिद्धांती है, हाँ, तुम्हारे मत में भी तो दोष आएगा, तुम्हारे मत में तो दोष आएगा, कैसे दोष आएगा, हाँ समझ लो, जैसे मान लीजिए, हाँ, रक्त घड़ा कैसे पहले होता है, लाल होता है काला रहता है, घड़ा पहले कैसा होता है जलाने से पहले,
लाल होता है, काला होता है। अरे भी कच्चा घड़ा कैसा होता है? काला काला होता है, लाल होता है, ये आपको पता नहीं है? हे भगवान, कुम्हार जो घड़ा बनाता है चक्र में जो रखता है और घुमाता है, वो क्या काला होता है लाल होता है? लाल कैसे होगा? दो प्रकार की मिट्टी होता है। लाल मिट्टी से नहीं होता है घड़ा, कभी नहीं होता है, आपको नहीं पता है? लाल मिट्टी से कभी घड़ा नहीं बनता है। घड़ा बनने वाली मिट्टी तो काली ही होती है, पूरी काली नहीं है, थोड़ी थोड़ी काली होती है, मतलब उसके लिए अलग टाइप की मिट्टी होती है। लाल मिट्टी से कभी नहीं बनता है घड़ा, आप देखिए। हाँ, वो आग में डालने पर लाल होता है। हम देखे हैं ना, गांव आदि में देखे हैं। उसकी अलग मिट्टी होती है, वो घड़े की मिट्टी अलग टाइप की। सभी मिट्टी से घड़ा नहीं बनता है, फट जाएगा घड़ा। हम देखे हैं ना, हाँ देखे हैं। उस मिट्टी से जो है ना, हाँ वो शरीर बढ़िया रहता है, आप सर लगा दे एकदम, वो मिट्टी होती है, उसी मिट्टी से घड़ा बनता है। नदी के किनारे ऐसे अलग ही टाइप की मिट्टी होती है, सभी घड़े से, सभी मिट्टी से घड़ा नहीं बनता है, वो काला ही होता है। चलो पूरा काला नहीं, थोड़ा काला रहता है, ठीक है। हाँ, और रक्त को, रक्त घट हो गया है, विलक्षण अग्नि संयोग होने पर क्या हो गया? रक्त घट हो गया है। जब पाक जो रक्त घट हुआ है, ये बताओ उस समय जो है पहले क्या था रूप? श्याम रूप था, श्याम रूप था। तो श्याम रूप का समवाय वहां पर है कि नहीं है? क्या समवाय नित्य कहते हो ना? क्या समवाय नित्य कहते हो, है कि नहीं? हाँ, तो उसका संबंध है कि नहीं बताओ, किसका संबंध है? अभी रूप का समवाय है, अभी कौन सा समवाय है? अभी रक्त रूप का समवाय, अभी रक्त रूप हो गया ना, रक्त रूप का समवाय। और हाँ, पहले कौन सा रूप था? श्याम रूप। तो श्याम रूप का समवाय और रक्त रूप का समवाय वो तो एक ही है, ये श्याम रूप का समवाय है ही। तो श्याम रूप का समवाय है किस समय? रक्त घट, घड़ा लाल हो जाने पर, उसमें श्याम रूपवत्ता प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि तुम समवाय को नित्य मानते हो, तो तुम्हारे में तो दोष आएगा। वैशिष्ट को नित्य मानने पर जैसे दोष हुआ, यहाँ पर भूतल में कौन सी प्रतीति होनी चाहिए कहा? हाँ, घटाभाववत्ता बुद्धि होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? किसने कहा? सिद्धांति ने, पूर्व पक्षी ओर से कहा जाएगा। हाँ, तो रक्त घट में कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? श्याम रूपवत्ता बुद्धि होनी चाहिए, ये पूर्व पक्षी ओर से कहा जाएगा। आगे समझ में, ठीक है? तो ऐसा आक्षेप हो जाने पर बोलते मम तो, बोलो हमारे सिद्धांत में, हमारे सिद्धांत में तो है मम तो, मतलब अस्माकम सिद्धांत है ना, मत में घटे पाक रक्तता दशायाम। तो घड़ा क्या हो गया? लाल हो गया। पाक रक्तता दशायाम है ना, श्याम रूपस्य नष्टत्वा। देखो श्याम रूप अभी कहाँ है? श्याम रूप अभी है, नष्ट हो गया वो, श्याम रूप तो नहीं है अभी। तो श्याम रूपस्य नष्टत्वा, ये नष्ट हो जाने से न तद्वत्ता बुद्धि। तद्वत्ता कहने से श्याम रूपवत्ता बुद्धि नहीं होगी, समवाय रहने तो क्या आपत्ति है, इनका कहना है। समझ में भाई? अच्छा, वैशिष्ट के ऊपर कितने विकल्प किए थे? दो विकल्प किया, क्या क्या? नित्य है कि अनित्य? नित्य मानने पर दोष हुआ, क्या दोष हुआ? नित्य मानने पर अभाव प्रतीति, जब वो नित्य होने पर, हाँ नित्य होने पर क्या दोष हुआ? घट लाने पर भी वो अभाव प्रतीति नहीं होना चाहिए, घट लाने के बाद अभाव प्रतीति होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए।
अभाव की प्रतीति होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए सब बता दिया। और दूसरा विकल्प क्या है, अनित्य। किसको अनित्य मानने पर, वैशिष्ट्य को, किसका वैशिष्ट्य, हाँ अभाव का, भूतल आदि अधिकरण में अभाव का वैशिष्ट संबंध को है नैयायिक तो नहीं मानता है, नैयायिक तो स्वरूप मानता है, क्या मानता है, स्वरूप मानता है, ठीक है ना। किसी का फोन आ रहा, आने दो, उनको समझ में आना चाहिए ना। वैशिष्टस्य अनित्यत्वे तु अनंत वैशिष्ट कल्पने तत्रैव गौरवम तवैव, क्या लिखा है भाई, तवैव लिखा है, तत्रैव के तवैव, तवैव गौरवम, हाँ तवैव भी है, तवैव अच्छा है, तवैव करो तो बढ़िया है ना, तवैव गौरवम। गौरव दोष हो जाएगा ना, वैशिष्ट को यदि क्या मानेंगे आप, अनित्य मानेंगे वैशिष्ट को, अनित्य, हाँ अनित्य मानेंगे, तो अनंत वैशिष्ट की कल्पना कर दिन होगी ना, हाँ कैसे देख लो, देखो नारायण घटाभाव यदि है उसी समय क्या रहेगा, वैशिष्ट रहेगा, और घट को ले आया तो वैशिष्ट नष्ट हो गया, नष्ट हो गया कि नहीं हो गया बोलो, उसका प्रभाव फिर मानना पड़ेगा है, फिर घट को हटा दिया तो फिर क्या आ गया, वैशिष्ट उत्पन्न हो गया, उत्पन्न कब होगा, उसका प्रभाव मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, किसका प्रभाव, वैशिष्ट का प्रभाव, तो अनंत हो जाएगा ना, हो जाएगा है, अनंत वैशिष्ट अनंत प्रभाव मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना, हाँ इसलिए क्या होगा, गौरव दोष हो रहा है कि नहीं, हाँ इसलिए तो स्वरूप, हम तो स्वरूप मानते हैं, क्या स्वरूप समझ से रहेगा वो अभाव है कि नहीं है, हाँ उसका अधिकरण है बस, अधिकरणता जो है ना, अधिकरणता ही उनका संबंध है, किसका, अभाव का, ऐसा मानते ही लोग। एवं च तत्त आगे लिखे देखो, तत्तत्कालीनम है तत्त भूतलाधिकम, घटाभाव जब रहेगा तो भूतल अधिकरण होगा कि नहीं होगा, जिस समय घटाभाव आदि रहते हैं अभाव, तत्कालीन जो भूतल आदि अधिकरण है वही होता है संबंध, वही होता है संबंध, किसका भाई, तत्त अभावान बस है ना, हाँ इसलिए जो है वैशिष्ट को अतिरिक्त पदार्थ मानने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ये इनका सिद्धांत है, ठीक है। उसके ऊपर और कोई विचार हो तो जो है कहा जाएगा, ठीक है, ठीक आदि में कहा जाएगा, ओके ना। उसके बाद है अभाव का आएगा, क्या आएगा, अभाव का, इसको कॉल करते हैं, इतना में रहना देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।